बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ एक फूल के बारे में, जिसको कहते हैं गुले अशरफी और इंग्लिश में कहते हैं कैलेंडुला फ्लावर। इसकी ब्यूटी में इस कदर फवाइद हैं कि मैं देखकर हैरान रह गई। मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर लूँ। ये जी आजकल के मौसम में आम है, हर जगह पे मिल जाता है, कोई इसके मुश्किल नहीं है, इसको उगाना या इसका मिलना मुश्किल नहीं है। इसके जो मेन इसका फ़ायदा है, एक तो ब्यूटी के लिए ये बहुत ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, आपकी ब्यूटी इन्हांस करने के लिए। दूसरा ये आपके पेन में और ज़ख्मों को वाउंड करने में, यानी कि ज़ख्म भरने में बहुत हेल्पफुल है। इसके अलावा ये बहुत सारी बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, और ख़ास तौर पर ब्यूटी के हवाले से अगर बात करें तो हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसको हम इसका ऑयल भी यूज़ करते हैं, इसको ड्राई फॉर्म में भी यूज़ करते हैं, और इसका लिक्विड मतलब खुद से लिक्विड बना के भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एक और चीज़ है कि हमारे सर्दियों में पाँव या गर्मियों में पाँव की एड़ियाँ फट जाती हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बच्चों के रैशेस पड़ जाते हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। और कोई कीड़ा मकोड़ा काट जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, उसके लिए भी इफ़ेक्टिव है। ये मैं आगे बताऊँ आपको बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। और दूसरा आपके आँखों की जो जलन हो रही होती है या रेड हो रही होती हैं आँखें, तो उस इसका पानी यानी कि इस फ्लावर का जो लिक्विड शेप में हम इसको बनाएंगे, तो वो पानी अगर आप आँखों पे लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा रहता है, फौरी तौर पर इफ़ेक्ट आता है, आपकी तकलीफ़ दूर हो जाती है, पेन कम हो जाता है। डाइजेशन सिस्टम के लिए, आपके स्टमक के लिए, जल्दी हाजमे के लिए, और अल्सर के लिए, मैदे का जो अल्सर हम आमतौर पर सुनते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त इसका तरीका इसका यूज़ है। ख़ास तौर पर स्टमक की जितनी भी बीमारियां हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मेडिसिन की फॉर्म में भी आपको अवेलेबल है, अगर आप घर में नहीं बनाना चाहते तो बनी बनाई मेडिसिन भी होम्योपैथिक स्टोर से आप ले सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे मुंह के अंदर बाज़ों का छाले हो जाते हैं, हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, मसूड़ों में दर्द होता है, तो भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मुंह की सारी बीमारियों के लिए। और इसके एक बेस्ट आपको बताऊं कि गले में जो गले ख़राब हो जाते हैं, टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव है। कहीं पर आपको स्वेलिंग हुई हुई है और आप ये फ्लावर लेके इसके पेटल्स को रगड़ते रहते हैं उस पर, तो आप यकीन करें कि इससे फौरी तौर पर स्वेलिंग भी कम होना शुरू हो जाती है। अब इसको मेडिसिन की फॉर्म में तो ये होम्योपैथिक स्टोर पर मौजूद है, आप इजीली इसको ले सकते हैं, और इसको यूज़ करने का तरीका भी उसके साथ ही दिया होगा, आप इजीली इसको पढ़ के यूज़ कर सकते हैं। अब सेकंड चीज़ ये है कि हम इसको हम कैसे घर में कैसे यूज़ करें, तो इसकी पेटल्स या लीव्स जो हैं वो हम सलाद के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क वाली जो इसके खुश्क करके पत्तियां हम सूप में, केक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर चावलों का या सूप का फ्लेवर इन्हांस करने के लिए, बहुत प्यारी सी खुशबू होती है, वो फ्लेवर इन्हांस करने के लिए भी हम इसको डाल सकते हैं, और इसकी टी बना सकते हैं। इसके पेटल्स को आप बॉईल करें अच्छे तरीके से, ऐसे टी सी चाय सी बन जाएगी, उसको यूज़ करें सलाद के तौर पर, इसकी पेटल्स यूज़ करें, तो ये इसके इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। सेकेंडली, रात को आप इस रात को पत्तियाँ इसकी भिगो के एक गिलास पानी में रख लें और सुबह उसी पानी से मुँह धो लें,
उस पानी से मुंह धोने से आपकी स्किन के प्रॉब्लम सारे सॉल्व हो जाएंगे। सेकेंडली अगर आप उससे गरारे करते हैं तो गले के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसका ऑयल जो है वो बालों के लिए बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव है। इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।